स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, लेकिन ग्वालियर के कमल सिंह बाग स्थित उनके आवास पर सन्नाटा पसरा है। बीजेपी के किसी भी नेता के यहाँ नहीं पहुंचने पर अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी कांति मिश्रा काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अटल जी को भूल गए हैं, कांग्रेस को जैसे इसकी जानकारी लगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, विधायक और मेयर लाइब्रेरी पहुंचे और अटल जी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए शाम को कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान किया। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक बार फिर सियासत तेज हो चुकी है। पहले भी कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि उनके अपने बड़े नेता हैं, उसको हाशिए पर डाल दिया गया है, तो आज जो घटनाक्रम आया है वो किस तरीके से सामने आया है? देखिए, अटल जी की बात करें तो आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ग्वालियर में उनके जो निवास है, लाइब्रेरी है, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी का एक भी नेता नहीं पहुंचा। मैंने जब बात की बीजेपी के नेताओं से, तब जाके कहीं हलचल बची और उसके बाद एक मैसेज वायरल किया जाता है कि शाम को 5 बजे बीजेपी के जो नेता है वो कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अभी भी वहां का दृश्य दिखाना चाहता हूं, कोई भी नहीं है, सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पूरी गली के अंदर देखेंगे आप कि सन्नाटा पसरा हुआ है, एक व्यक्ति भी यहां पर नहीं है। और जैसा कि अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के एक बड़ी कहा जाता है कि बड़ा आस्था का केंद्र है, उन्हीं के चलते ये पार्टी है, लेकिन आप देखेंगे कि ये वो स्थान है, लाइब्रेरी है, जहां ये पहले ये घर हुआ करता था, लेकिन उसको लाइब्रेरी में तब्दील किया गया। लेकिन 5 बजे के कार्यक्रम के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक सुबह से पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं आया है, जबकि हम हमेशा देखते रहे, चाहे जन्मदिन का मौका हो या फिर पुण्यतिथि का मौका हो, हमेशा बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर सुबह से ही पहुंचना शुरू हो जाते थे, लेकिन आज नहीं पहुंचे हैं। और जैसे ही इस बात की खबर कांग्रेसियों को लगी तो कांग्रेस के विधायक और मेयर यहाँ पर पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए। और इसके साथ ही जो कांति मिश्रा है, यानी कि अटल जी की भतीजी है, उन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगाया है कि बीजेपी के लोग उनको भूल गए हैं, केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही उनके नाम को याद रखते हैं, इसके अलावा बीजेपी के जो ग्वालियर के लोग हैं, नेता है, वो सब भूल गए। अगर याद होते तो शायद वो सुबह से उनकी जो घर है और जहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है वहां पर श्रद्धांजलि देने आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मीडिया में खबर दिखाई गई तब हलचल हुई, तब जाकर बीजेपी ने तय किया गया कि शाम को यहां पर 5 बजे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। लेकिन अभी तक कोई कार्यक्रम क्यों, बीजेपी का कोई नेता आया क्या सुबह से? आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 5 बजे का आज उनका, आज 5 बजे सुबह से कोई आया? सुबह से भी तो मुझे पता नहीं, बस शाम को 5 बजे का उनका आएंगे सब जने। जी ना सर, तो देखिए, देख सकते हैं कि शाम के कार्यक्रम की बात की जा रही है, लेकिन अमूमन जो कार्यक्रम होते थे वो सुबह होते थे, लेकिन अब सब कार्यक्रम है वो शाम को टाल दिए गए हैं। वो भी ये कार्यक्रम इसलिए शाम को रखा गया जब मीडिया में हलचल हो गई, क्योंकि हमने कई बीजेपी के नेताओं से बात की गई थी, तब उनको कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं थी कि आज अटल जी की पुण्यतिथि है और कोई कार्यक्रम उनको करना भी है। चलिए, बड़े नेता के बारे में फिर से ऐसी ही सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, संस्थापक रहे बीजेपी के, जाहिर सी बात है कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका।